तिरंगा को सलामी देते हुए हरियाणा पुलिस महिला पराक्रम कमांडर नीरू कुमारी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ते हुए सने हुए सीना के साथ नए संकल्पों के साथ हरियाणा पुलिस पीसीआई के नेतृत्व में और आपदाओं के वक्त जो हमेशा तत्पर रहते जन सेवा के लिए होमगार्ड की टुकड़ी आगे बढ़ती हुई हरिदेश नायन जी के नेतृत्व में इस देश का भविष्य कर्णधार एनसीसी सीनियर विंग महिला कुमारी किरण जी के नेतृत्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दीन एनसीसी सीनियर डिवीजन ग्रुप की टुकड़ी सचिव के नेतृत्व में तिरंगे को सलामी देते हुए अपने क्रम में एनसीसी सीनियर डिवीजन लड़कियों की टुकड़ी काजल के नेतृत्व में और इसी बात पास में शामिल है राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाटपुर स्काउट अमित कुमार के नेतृत्व में आज के इस पावन पर्व पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में हमारा देश आगे बढ़ते हुए 73 वर्ष में भारत स्काउट राज्य अमित माध्यमिक जाटपुर अमित कुमार कुमारी मीनू के नेतृत्व में और प्रजातंत्र के शहरी जवाहर दौड़ते विजय लगाए कुमारी मीनू धनखड़ के नेतृत्व में भारत गाइड स्कूल को कुमारी शिवा को दे रहा है आज स्कूल अहिर दुष्यंत जी फोटो नहीं हुआ फोटो आधा एकड़ का जमींदार है यो 1.5 लाख माता पिछड़ भाई रे दोबारा हवा सिंह मास्टर एक बार मन तो चढ़ा है कह दिया स्ट्रॉबेरी स्पेशल मैं लेकर आऊंगा आपने निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए मैडम का क्या भाई आप सब क्या
सब आ गया जी, मैडम भी आ गई, मैं भी आ गेर ला दियो हाथ लगा लगे सर सर यहाँ ओके हाँ सर ओके ओके जल्दी आइएगा, दूसरे पायदान पे आपकी जिंदगी होती है और उसके बाद क्या रहिएगा। चलो दूसरे बाद क्या रहिएगा राज के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सामने खड़ा और लिए भी कांग्रेस के लिए होगा जल्दी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे 33 पावन धाम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि हमारे संविधान के 73 साल पूरे होने पर देश की अखंडता, इस देश की एकता को हम इतनी मजबूती से क्या मनाने का काम कर रहे हैं। साथियों 1950 में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर और संविधान लिखने वाली उनकी पूरी टीम ने कड़े परिश्रम के बाद इस देश को एक उस ग्रंथ में बांधने का काम किया जिसने निरंतर कठिन समय पर भी हमको एक नई दिशा एक नई ताकत दिलवाने का काम किया। आज हम सबको मिलकर हमारे संविधान निर्माताओं के साथ साथ उन योद्धाओं का जिन्हें देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर करने का काम किया आज उनको याद और उनको नमन करने का काम करना है। चाहे वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह जी जैसे वीर योद्धाओं जिनके लंबे संघर्ष ने इस देश को ये ताकत दिलवाने का काम किया। आज 23 तारीख को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125 साल पूरे होने पर देश भर में एक उत्साह के साथ पर्व मनाने का काम किया। साथियों आज हम बात करते हैं कि भारतीय सेना में हर 10वां जवान आपकी इस पावन धरा हरियाणा का है। मुझे तो खुशी होती है कि आज ही जब आजाद हिंद फौज बढ़ी थी तब भी हरियाणा के हजारों वीर योद्धाओं ने जाकर अपना योगदान देने का काम किया, बेहतर घंटे में पहुंचाने का काम किया। अगर बेहतर घंटे में कोई डिले आता है तो 9% ब्याज के साथ किसान की राशि उसके खाते में हमने पूरी तौर पर पहुंचाने का काम किया है। चाहे सब्सिडी हो, जैसे पीछे सरसों का तेल गरीब परिवार को दिया जाता था, सरसों इस बार प्राइवेट मार्केट में बिकी तो उसके 250 रुपए प्रति 2 लीटर के हिसाब से हर परिवार के खाते में हमने राशि पहुंचाने का काम किया। छात्र छात्राओं के वजीफे हो, पहले जा जाकर चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे, आज कोई भी छात्र छात्रा अगर वजीफा लेने के लिए आज अप्रूव्ड है तो डीबीटी के माध्यम से टाइम बाउंड मैनर में उसका भी पैसा उसके खाते में उसको पहुंचाने का हम काम करते हैं। साथियों आज पंचायतों के विकास की बात, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है इस देश का जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा ताकत देने का काम किया, और तो और हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज के अंदर राइट टू रिकॉल की आज के दिन कानून को पूरी तौर पर लाने का काम किया। चौधरी देवराज जी का सपना था कि अगर आपका कैंडिडेट आपके लिए सेवा में पूरी तौर पर खड़ा नहीं उतरता तो वोटर्स के पास अधिकार, और हरियाणा ने इस देश में प्राथमिक तौर पर कानून बनाकर राइट टू रिकॉल की सुविधा अपने वोटर्स को देने का काम किया। साथियों
आज हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देश में वो चुनिंदा राज्यों में हम गिने जाते हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की मेयर के लिए चेयरमैन के लिए सुविधा हमने देने का काम किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिला की हिस्सेदारी के लिए रिजर्वेशन बोला जाता था। हमने कानून लाने का काम किया कि पंचायती राज में चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, चाहे पंचायतों के सरपंच हो, चाहे पंचायतों के मेंबर हो, तमाम पदों के लिए 50% पद हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए हमने रिजर्व नहीं, उनके लिए उनका अधिकार बनाकर देने का काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 2 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए हमारी 170 के लगभग पंचायतें, इन तमाम पंचायतों में हमने पोर्टल बनाया ग्राम दर्शन के नाम का, और ये सुविधा दी आम नागरिक को कि गांव विकास के लिए अगर कहीं नाली की, सड़क की, कोई और सुविधा की जरूरत है, कोई रिपेयर स्कूल की होनी है, कोई चौपाल के अंदर नई टेक्नोलॉजी लगनी है, पीआरआई फंड का, एचआरडीए फंड का या स्टेट शेयर के फंड का प्रॉपर इस्तेमाल हो, उसके लिए भी डिमांड फिर सरपंच के घर जाकर चक्कर काट कर आपको भिजवाने की जरूरत नहीं। आम नागरिक भी अपने गांव के अंदर ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉग इन कर अपनी डिमांड रख सकता है, और डिमांड रखकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे उसका सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे जिला परिषद मेंबर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हर उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पोर्टल पे भिजवा सकता है कि वो अप्रूव कर उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाए। और मुझे खुशी होती है कि पिछले 7 महीने के अंदर अंदर उचाणा के ही साथियों ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए आज 80 ऐसी डिमांडें मुझे भेजने का काम किया है जो शायद उचाणा के विकास के लिए प्राथमिक तौर पर कदम के तौर पर आने का काम करेगा। साथियों, आज हम बात करें और साथ में आपके डिप्टी कमिश्नर ने इनिशिएटिव लिया कि हमारे तमाम शहीदों को उनके स्कूल के साथ जोड़कर नमन किया जाए। जिस जिस शहीद का आज तक स्टैचू जीत जिले में नहीं लगा, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन से 21 लाख रुपए दे देता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर उन तमाम शहीदों के भी स्टैचू अपने जिले में लगाने का काम करे, उन लोगों का हम याद करते हैं। साथ में ये वादा आपको करता हूँ कि हमारे कई ऐसे अनसंग हीरोज है पूरी स्टेट में, जिनको हम याद तो जरूर गांव लेवल पर कर लेते हैं, मगर उनको कहीं भी हम याद रखने के लिए परमानेंट जगह नहीं दे पाए। एक जिन गांव में गौरव भट्ट नहीं लगे, ये 1 साल का जब टारगेट लेते हैं कि अगली 26 जनवरी से पहले पहले हरियाणा प्रदेश के तमाम 170 पंचायतों के अंदर गौरव भट्ट भी पूरी तौर पर लगाएंगे, और उन अनसंग हीरोज को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित करने का काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में पूरे हरियाणा में अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो भी हमारा वीर योद्धा इस देश के लिए बॉर्डर में खड़ा होकर शहीद हुआ है, उसके गांव के स्कूल को उसके लिए सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है, तो सरकारी छुट्टी के तौर पे जितने पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ थे, एक दिन का अवकाश उनका आज मैं घोषित करता हूँ आज के इस पावन अवसर पर।